पोहरी नगर में शुक्रवार को मतदान में युवाओं की अधिक से अधिक भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए पोहरी तहसीलदार प्रेमलता पाल ने महिलाओं व स्कूली बच्चों के साथ मतदाता जागरूकता रैली का आयोजन मुरली मनोहर मंदिर से निकाली। इस दौरान नव मतदाता खासकर महिलाओं को मतदाता सूची में नाम जुड़वाने के लिए प्रेरित किया गया। तहसीलदार प्रेमलता पाल ने बताया कि जिन युवतियों की उम्र 18 वर्ष पूर्ण हो गई है और वह महिलाएं जिनका नाम मतदाता सूची से छूट गया है, ऐसी महिलाएं आवश्यक रूप से अपना नाम मतदाता सूची विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम के तहत मतदाता सूची में जुड़वाएं। पौरी से धर्मेंद्र शर्मा की रिपोर्ट। मतदाता पुनरीक्षण का कार्य जोरों से चल रहा है, आज एक रैली का भी आयोजन किया जा रहा है, लेकिन अभी भी कहीं ना कहीं कमी है। BLO घर घर नहीं पहुंच रहे हैं, लोगों को इसकी अभी भी जानकारी नहीं है। मतदाता पुनरीक्षण का जो कार्यक्रम चल रहा है उसी में ये जागरूकता के लिए लोगों ने रैली निकाली है। इसमें जैसे महिला वोटर्स रहती हैं अपनी, महिला मतदाता, तो जैसे उम्र जिनकी 18 वर्ष हो गई है बच्चियों की 1 अक्टूबर 2005, तो उस स्थिति में उनके अधिक से अधिक नाम बढ़े और जो महिलाएं अगर छूट गई मतदाता सूची में उनके नाम बढ़े और जो नई वधुएं आती हैं अपने अंचल में, अपने जिले के क्षेत्र में, अपने गांव में, शहर में, तो उनका नाम भी 100% जुड़े, इसी के लिए हमने जागरूकता रैली के लिए, जिससे अधिक से अधिक महिला वोटर्स इसमें जुड़ पाए और वो अपने मत का प्रयोग करें।